आज अगर श्री राम होते, अगर श्री रामचंद्र जी आज इस युग के अंदर होते तो ईडी और सीबीआई को उनके घर भी भेज देते और यहाँ बंदूक रख के पूछते बेटा बीजेपी में आ रहा है कि जेल जाएगा। अगर ये कुछ काम कर लेते तो आज इनको ईडी की जरूरत नहीं पड़ती, सीबीआई की जरूरत नहीं पड़ती, पुलिस की जरूरत नहीं पड़ती, इनकम टैक्स की जरूरत नहीं पड़ती। जो है विनाश का मॉडल, उस विनाश के मॉडल के दो हिस्से हैं। एक हिस्सा है सामने सारी पार्टियों को कुचल दो, खत्म कर दो, खरीद लो, तोड़ दो, गिरफ्तार कर लो, जेल भेज दो, ईडी लगा दो, सीबीआई लगा दो, सामने कोई बचेगा ही नहीं तो चुनाव किसके बीच में होंगे, फिर तो यही है। ये दूसरा मॉडल है जिसके अंदर आप विपक्ष को एक एक करके खत्म करते जाते हो, सरकारें गिरा देते हो, एमएलए तोड़ लेते हो, गिरफ्तार कर लेते हो, धमकी देते हो, कहते हैं मोदी नहीं तो कौन, क्यों कहते हैं सबको तो जेल में डाल दिया तो मोदी नहीं तो कौन, कोई बचा ही नहीं, सारे जेल में डाल दिए तो मोदी नहीं तो कौन, मोदी नहीं तो सारे जेल में। ये देश के साथ गद्दारी है, ये देश द्रोह है। मेरे को इतने नोटिस भेज दिए, इतने नोटिस भेज, सारी एजेंसी, जैसे देश का सबसे बड़ा आतंकवादी केजरीवाल है। मन में सोचता हूँ यार दो चार आतंकवादियों को भी नोटिस भेज लो, सारे नोटिस, 8 सम्मन आ गए मेरे पास ईडी के, 8 सम्मन, अब बता रहे 9वां भी आने वाला रस्ते में है। अध्यक्ष महोदय 2014-15 में इस देश में दो घटनाएं घटी। मई 2014 में देश के लोगों ने केंद्र में मोदी जी को भारी बहुमत देके, बीजेपी को भारी बहुमत देके, 282 सीट आई थी शायद पहली बार इनके 2014 में, 282 सीट देके, भारी बहुमत देके केंद्र के अंदर उनकी सरकार बनाई। और उसी वर्ष के अंत में फरवरी 2015 में एक आधे राज्य दिल्ली के अंदर दिल्ली की जनता ने 70 में से 67 सीट देके भारी बहुमत से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की, एक नई पार्टी की सरकार बनी। तो एक केंद्र के अंदर सरकार बनी और एक दिल्ली के अंदर सरकार बनी, दोनों भारी बहुमत से सरकार बनी। और जब जनता भारी बहुमत से सरकार बनाती है तो जाहिर तौर पे जनता को बहुत उम्मीदें होती हैं उन सरकारों से। इन दोनों सरकारों ने पिछले 10 साल के अंदर दो किस्म के देश के सामने गवर्नेंस के मॉडल रखे हैं और ये दोनों गवर्नेंस के मॉडल ऐसे हैं जो आपको चुनाव जिताने की गारंटी लेते हैं, उनका भी चुनाव जिताता है, इनका भी चुनाव जिताता है। एक गवर्नेंस का मॉडल है विकास का मॉडल और एक गवर्नेंस का मॉडल है विनाश का मॉडल। हमने, आम आदमी पार्टी ने 2015 फरवरी में जो भारी बहुमत मिला, हमारे पास तो कोई पावर ही नहीं थी दिल्ली के अंदर, ना पुलिस हमारे पास, ना एलजी हमारे पास, ना कोई पावर ही नहीं थी हमारे पास, लेकिन हमने धीरे धीरे करके, लड़ लड़ के, हाथ जोड़ के, पैर पकड़ के स्कूल ठीक कर दिए, अस्पताल ठीक कर दिए, लोगों के बच्चों को भविष्य दिया, गरीब के बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनने का सपना दिया, उनके सपनों को पूरा किया, किसी के घर में कोई बीमार हो जाए उसका अच्छे से अच्छे इलाज का इंतजाम किया, बिजली 24 घंटे की, बिजली मुफ्त कर दी, पानी मुफ्त कर दिया, तीर्थ यात्रा करवा रहे हैं बुजुर्गों को, इतने सारे काम किए, जनता बड़ी खुश हो गई, जनता का दिल जीतने का काम किया। ये एक मॉडल था जो आम आदमी पार्टी ने विकास का मॉडल किया। और उसके बाद हम लगातार एमसीडी के चुनाव हुए, उसके बाद हम 2020 में चुनाव हुए, लगातार सारे चुनाव भारी बहुमत से जीतते जा रहे हैं। और ये अभी जो बजट रखा गया, अब तो जनता कह रही है कि ये 7 सीट भी हमारी आएंगी इस बार। ये था विकास का मॉडल। 2014 मई में जो बीजेपी को भारी बहुमत मिला और 280 सीट आई, उन्होंने एक दूसरा गवर्नेंस का मॉडल रखा जो है विनाश का मॉडल। उस विनाश के मॉडल के दो हिस्से हैं। एक हिस्सा है सामने सारी पार्टियों को कुचल दो, खत्म कर दो, खरीद लो, तोड़ दो,
गिरफ्तार कर लो, जेल भेज दो, ईडी लगा दो, सीबीआई लगा दो, सामने कोई बचेगा ही नहीं तो चुनाव किसके बीच में होंगे, फिर तो यही है। ये दूसरा मॉडल है जिसके अंदर आप विपक्ष को एक एक करके खत्म करते जाते हो, सरकारें गिरा देते हो, एमएलए तोड़ लेते हो, गिरफ्तार कर लेते हो, धमकी देते हो। और इनके विनाश मॉडल का दूसरा हिस्सा है कि पूरे देश में कहीं कोई विपक्ष की सरकार अच्छा काम कर रही हो, उनके कामों को रोको, खुद अच्छा काम नहीं करो, उनको अच्छा काम करने से रोको। अगर कोई देश हित में, इस देश में दूसरी सरकार कोई काम कर रही है तो उसको अच्छा काम करने से रोको। ऐसा नहीं कि इनको देश ने मौका नहीं दिया अच्छा काम करने का, गुजरात में 30 साल से इनकी सरकार है, 30 साल में एक स्कूल ठीक नहीं किया इन्होंने, एक सरकारी स्कूल ठीक नहीं किया। अभी जो गुजरात के अंदर विधानसभा के चुनाव हुए, उसमें एक दिन प्रधानमंत्री जी का मन किया कि मैं, ये मनीष सिसोदिया रोज जा जाके स्कूलों में फोटो खिंचवाता है डेस्क पे बैठ बैठ के, तो एक दिन प्रधानमंत्री जी का मन किया मैं भी जाके डेस्क पे बैठ के फोटो खिंचाऊं। तो उन्होंने तय किया कि मैं गुजरात के किसी सरकारी स्कूल में जाके डेस्क पे बैठ के बच्चों के बीच में फोटो खिंचवाऊंगा। पूरे गुजरात में ढूंढा इन्होंने 30 साल में, एक स्कूल ऐसा नहीं मिला पूरे गुजरात में जहां प्रधानमंत्री जी जाके इज्जत के साथ फोटो खिंचवा सकते। तो उन्होंने टेंट में, एक टेंट लगाया गया और उस टेंट के अंदर 5 बच्चे बिठाए गए, 4 डेस्क बिठाए गए, एक फर्जी टीचर सामने, और वहां प्रधानमंत्री जी को फोटो खिंचवाया। अगले दिन जब हमारे कार्यकर्ता वहां पहुंचे, वो टेंट भी नहीं था और क्लासरूम भी नहीं था और स्कूल भी नहीं था, टीचर भी नहीं था, बच्चे भी नहीं थे। तो ऐसा नहीं कि देश ने इतना भारी बहुमत दिया, ये चाहते तो देश का दिल जीत सकते थे। अगर ये कुछ काम कर लेते तो आज इनको ईडी की जरूरत नहीं पड़ती, सीबीआई की जरूरत नहीं पड़ती, पुलिस की जरूरत नहीं पड़ती, इनकम टैक्स की जरूरत नहीं पड़ती। जनता वैसे ही कहती यार इनको, जैसे दिल्ली में कहती है, दिल्ली में तो हमारे पास पावर ही नहीं है, हमने कौन सी ईडी फीडी छोड़ रखी है इनके पीछे, खूब फल फूल रहे हैं ये लोग भी, सारा विपक्ष फल फूल रहा है, लेकिन दिल्ली की जनता के दिल में तो हम लोग हैं ना। इन्होंने ईडी का और पैसे, आज इनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, पता नहीं कितना पैसा कमा रखा है। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा इलेक्टोरल बॉन्ड किस किस ने, तो बता ही नहीं रहे किस किस कितने बॉन्ड किसको किस पार्टी ने दिए। और ये तो एक नंबर का पैसा जो इलेक्टोरल बॉन्ड से, दो नंबर का पता नहीं कितना पैसा का। एक एक एमएलए 25 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ में एमएलए खरीद रहे हैं पूरे देश के अंदर जाके। इन्होंने उत्तराखंड की सरकार गिरा दी, उत्तराखंड में लोगों ने कांग्रेस की सरकार बनाई, हरीश रावत की सरकार बनाई, एमएलए खरीद के, एमएलए तोड़ के इन्होंने उत्तराखंड की सरकार गिरा दी। इन्होंने कर्नाटक की सरकार गिरा दी, इन्होंने मध्य प्रदेश की सरकार गिरा दी, इन्होंने गोवा की सरकार गिरा दी, इन्होंने अरुणाचल प्रदेश की सरकार गिरा दी, अब हिमाचल प्रदेश की सरकार गिराने जा रहे हैं थोड़े दिन के अंदर। और फिर कहते हैं हम जीतते हैं, ये जीतते थोड़ी हैं, सरकार गिराते हैं, ये जीतना थोड़ी है, ऐसे बनाओगे सरकारें तुम। इन्होंने एक एक करके पार्टियां तोड़ दी। महाराष्ट्र के अंदर लोगों ने महाविकास अघाड़ी की सरकार बनाई, एमवीए की सरकार बनाई, शिवसेना एनसीपी और कांग्रेस की सरकार बनाई, अच्छी सरकार चल रही थी, अच्छा काम कर रहे थे वो लोग। ईडी का इस्तेमाल करके, सीबीआई का इस्तेमाल के शिवसेना के 2 टुकड़े कर दिए, सारे एमएलए इन्होंने तोड़ दिए। ईडी का इस्तेमाल करके, सीबीआई का इस्तेमाल करके इन्होंने एनसीपी के एमएलए तोड़ दिए, वहां की सरकार गिरा दी इन लोगों ने। इनका फॉर्मूला है कि सामने विपक्ष को रखो ही मत, कोई विपक्ष में ही नहीं रहेगा तो फिर चुनाव किस बात के होंगे, फिर तो इन्हीं को वोट पड़ेंगे। सबको जेल में डाल दो, कोई सामने ही नहीं रहेगा। कहते हैं मोदी नहीं तो कौन, क्यों कहते हैं सबको तो जेल में डाल दिया तो मोदी नहीं तो कौन, कोई बचा ही नहीं, सारे जेल में डाल दिए तो मोदी नहीं तो कौन, मोदी नहीं तो सारे जेल में। तो ये इनका बड़ा सही फॉर्मूला है। अब ये एक और उस पे आए हैं, ये कह रहे हैं हम तो 370 जीत रहे हैं, 370 जीत रहे हैं, ये नया अब है, अगले 5 साल में ये चलेगा।
ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अब हमें इस देश के 140 करोड़ लोगों की जरूरत नहीं है, अब तुम्हारे वोट की जरूरत नहीं है, घर बैठो, वोट डालने आओ तो डालना, नहीं डालने आओ तो मत डालना, हमें तो 370 मिल रहे हैं क्योंकि सामने लड़ने वाला ही कोई नहीं बचा। थोड़े दिन के अंदर सारा विपक्ष, हिटलर ने भी यही किया था जब हिटलर आया था, हिटलर ने 3 महीने में कर दिया, इन्होंने 10 साल लगा दिए। तो अब इनका यह कहना है कि हमें किसी की जरूरत नहीं है, तो ये जनतंत्र खत्म कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, ये देश के साथ गद्दारी है, ये देशद्रोह है। अगर इस देश के अंदर जनतंत्र खत्म कर दिया जाए, मैं मन में सोच रहा था आज अगर श्री राम होते, अगर श्री रामचंद्र जी आज इस युग के अंदर होते तो ईडी और सीबीआई को उनके घर भी भेज देते और यहां बंदूक रख के पूछते बेटा बीजेपी में आ रहा है कि जेल जाएगा। और अब ये आम आदमी पार्टी को तोड़ने में लगे हुए हैं, आम आदमी पार्टी को क्रश करना चाहते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी भविष्य में इनको चैलेंज कर सकती है, देश के अंदर चैलेंज कर सकती है, अलग अलग राज्यों के अंदर चैलेंज कर सकती है। सबसे तेजी से बढ़ने वाली पार्टी है और इनके काबू नहीं आ रहे आम आदमी पार्टी वाले। इन्होंने मनीष सिसोदिया जी को जेल में डाल दिया, इन्होंने सत्येंद्र जैन जी को जेल में डाल दिया, इन्होंने संजय सिंह को जेल में डाल दिया, अब ये मुझे जेल में डालने की तैयारी कर रहे हैं। पूरा चारा केजरीवाल को जेल में डालेंगे, केजरीवाल पूरी प्लानिंग कर रखी है। मैं बीजेपी वाले से बात कर रहा था, बीजेपी में कई दोस्त हैं, अच्छे लोग भी हैं बीजेपी में, सारे खराब नहीं हैं। तो बीजेपी वाले से बात कर रहा था, वो बोली जी पूरी प्लानिंग है, आपको जेल में डालेंगे, आपकी सरकार गिराएंगे, सरकार गिराने के बाद सबसे पहला काम करेंगे ये जो बिजली फ्री कर रखी है ना, इसको बंद करेंगे दिल्ली के अंदर। मैंने कहा क्यों, ऐसा क्यों करोगे? बोले पूरे देश में तकलीफ हो रही है, किसी भी बीजेपी के राज्य में बिजली मुफ्त नहीं है, आपने दिल्ली में कर दी या पंजाब में कर दी, जहां जाओगे आप बिजली मुफ्त का दावा करते हो, हम तो नहीं कर सकते, हम तो पैसे खाते हैं, इतना बजट कहां से आएगा भाई, पैसे भी खा ले और बिजली भी मुफ्त कर दे, दोनों तो नहीं हो सकते। तो बिजली मुफ्त को सबसे पहले बिजली मुफ्त खत्म करेंगे, फिर ये तुम्हारे स्कूल खराब करेंगे, ये जो तुमने स्कूल बन, बोला हमसे तो होते नहीं है, दूसरे बीजेपी ना गुजरात में कर सके, ना मध्य प्रदेश में कर सके, ना राजस्थान में, हमसे तो होते नहीं है, फिर स्कूल खराब करेंगे, फिर मोहल्ला क्लिनिक बंद करेंगे और फिर अस्पताल बंद करेंगे। पूरी प्लानिंग कर रखी है बीजेपी वालों ने, केजरीवाल को गिरफ्तार करेंगे और उसके बाद दिल्ली को बर्बाद करेंगे। मेरे को इतने नोटिस भेज दिए, इतने नोटिस भेज दिए सारी एजेंसी, जैसे देश का सबसे बड़ा आतंकवादी केजरीवाल है। मैं मन में सोचता हूँ यार 2-4 आतंकवादियों को भी नोटिस भेज लो, सारे नोटिस 8 सम्मन आ गए मेरे पास, ईडी के 8 सम्मन, अब बता रहे 9वां भी आने वाला रस्ते में है। तो मैं इनको कहना चाहता हूं, तुम जितने सम्मन भेजोगे मैं उतने स्कूल बनवाऊंगा। आज मैं इस सदन के अंदर घोषणा करना चाहता हूं कि 8 समन आए हैं, 8 नए स्कूल दिल्ली के अंदर बनाए जाएंगे। और अध्यक्ष महोदय, एक बीजेपी वाले ने बड़ा सही बोला है, केजरीवाल से नफरत करनी है तो संभल के करना है दोस्त, केजरीवाल से नफरत करनी है तो संभल के करना है दोस्त, अगर उसके स्कूल और अस्पताल देख लिए तो मोहब्बत हो जाएगी केजरीवाल से।